नमस्कार दोस्तों, हिंदी आज मैं सिम कार्ड मोबाइल फोन से सोने की वसूली करूंगा। शुद्ध सोने का एक ग्राम उत्पादन करने के लिए लगभग 2000 सिम कार्ड। हम धातु को हटाने के लिए 1:1 पानी के साथ मिश्रित 68% नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। सिम कार्ड के संपर्क क्षेत्र से सोने को अलग करने के लिए कोलिंदा का उपयोग करके पीवीसी सिम कार्ड के साथ मिश्रित सोने की चादरें अलग करें, फिर पानी से धो लें। एक्वा रेजिया एसिड शुद्ध सोना बनाने का एक अच्छा तरीका है। एक्वा रेजिया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है, जिसका अनुपात 1:3 है। ऑपरेशनल सेफ्टी के विवेकपूर्ण निष्पादन के लिए न केवल ध्वनि निर्णय और प्रयोगशाला में शामिल जोखिमों का सटीक आकलन आवश्यक है, बल्कि जोखिम को कम करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ साथ जनता और पर्यावरण की रक्षा के लिए उचित कार्य प्रथाओं का चयन भी आवश्यक है। सुरक्षात्मक रासायनिक कपड़े पहने, दस्ताने, सुरक्षात्मक पलके, एक मुखौटा, एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट और लंबी पैंट शामिल हो सकते हैं। मुख्य मार्गों से संपर्क से बचने के लिए सावधानी बरतें, यानी त्वचा और आंखों के संपर्क में, सांस लेना और घूस लेना, उचित वेंटिलेशन की आवश्यकता है। इस अवक्षेप में एक बहुत मजबूत तीखा एसिड गंध है और संक्षारक है, कुंजी समुदायों और पालतू जानवरों से बहुत दूर है। सोने को क्यूब्स में कैसे पिघलाया जाता है। सोने से पहले और बाद में थोड़ा बोरैक्स पाउडर छिड़के, जो सही पिघलने के लिए मेरी तकनीक है। सोने को पिघलाने के लिए कई तरीके हैं। क्यूब्स में सोने के पिघलने वाले इंडक्शन हीटर का उपयोग करके आप तेज सुविधाजनक होंगे, या आप मशाल ब्यूटेन गैस फ्लेमेथ्रो बनर का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करते समय आपको सोने के पाउडर के छींटों से सावधान रहना होगा। पानी के अनुपात में नाइट्रिक एसिड मिलाकर सोने के क्यूब्स को साफ करना, अनुपात 1:2 या इस एसिड के साथ सोने को उबालना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे। कृपया सदस्यता के लिए आवेदन करें और हमारे वीडियो साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।